8.2 मध्यम वर्ग और इनके विचार। क्रांति के पूर्व जिस प्रकार प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था सामंतवादी पद्धति व असमानता के सिद्धांत पर आधारित थी, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था भी अनेक बुराइयों व विकृतियों से जर्जर एवं पतनोन्मुख बन चुकी थी। सामाजिक बुराइयों का मूल कारण वहाँ सामाजिक असमानता का सिद्धांत था। फ्रांस के मध्यम वर्ग में वे लोग थे। इस वर्ग के लोगों को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। इसके अलावा कारीगर, किसान, मजदूर आदि ये सामंती व्यवस्था से त्रस्त थे। वे राजा और सामंतों की मनमानी खत्म करना चाहते थे, बल्कि वे समाज में परिवर्तन भी लाना चाहते थे। इस समय मध्यम वर्ग और कारीगर व किसान के विचारों में बहुत अंतर था। चार्ल्स प्रथम ने इसको मिलाने का प्रयास किया, फिर भी ग्लोरियस रिवोल्यून ने गरीबों को सत्ता से अलग रखा। सन 1649 में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया कि इंग्लैंड के लोग तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक गरीबों के पास जमीन ना हो और उन्हें सामूहिक जमीन पर खेती का अधिकार ना हो। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग का महत्व बढ़ रहा था। इस कारण बदलाव पसंद लोगों में भी महत्व बढ़ रहा था। यूरोप का उभरता मध्यम वर्ग रेनासा वैज्ञानिक क्रांति, धर्म सुधार व प्रबोध आंदोलन के विचार से प्रभावित था। इसी बीच अनेक राजनैतिक विचारक हुए जिन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया और लोकतंत्र के समर्थन में आगे आए। इनमें कुछ प्रमुख थे जॉन लॉक व जॉक रूसो। इनके विचारों के प्रेरणा से यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए आंदोलन को बल मिला।